टुडेज टॉपिक इज साइकस. इट्स अ यूनिट सेकंड ऑफ बीएससी सेकंड ईयर. इसमें हमें नॉर्मली पता है कि जो साइकस होता है वो किस तरह से दिखता है, क्योंकि हमारे स्कूल ग्राउंड्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली हमें देखने को मिलता है साइकस. तो इसकी जो हाइट होती है नॉर्मली 3 to 5 meters लॉन्ग ही होती है, ज़्यादा नहीं होती. और इसकी अनब्रांच्ड कॉलमनर स्टेम होती है. इसकी थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और स्टेम कैसे होते हैं ये आप उसको देख के पता कर सकते हो. दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो स्टेम है, स्टेम के पास इसकी जो स्टेम होती है उसके पास कुछ एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट होती है. क्या होती है? एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं बल्बिल्स. क्या बोलते हैं उसे? बल्बिल्स बोलते हैं. एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड बल्बिल्स. दूसरा इसके अंदर अगला आता है, सबसे अगले इंपॉर्टेंट के इस टॉपिक स्टार्ट होते हैं रूट से. इसकी रूट दो तरह की होती है. पहली होती है नॉर्मल टैप रूट, जैसे नॉर्मल टैप रूट होती है. दूसरी होती है कोरेलेड रूट्स. पहले हम ये पढ़ते हैं नॉर्मल टैप रूट. नॉर्मल टैप रूट कौन सी होती है? हमें पता है एम्ब्रियो का जो दो पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, रेडिकल और होता है दूसरा प्रिम्यूल. कौन सा होता है? रेडिकल और प्रिम्यूल. जो रेडिकल होता है, रेडिकल किसको गिव राइज करता है? रूट्स को गिव राइज करता है. तो यहाँ पे जो रूट्स बनती है, जो प्राइमरी रूट होती है, कौन सी जो प्राइमरी रूट होती है उसी क्या बोलते हैं हम? टैप रूट बोलते हैं. और ये वही है, ठीक है. जो प्राइमरी रूट बनेगी वही होती है टैप रूट. और जो टैप रूट होती है, टैप रूट्स के साइड में लेटरल ब्रांचेस निकलती है जो कि डीप इनटू द सॉइल जाएगी. सॉइल और किस में हेल्प करेगी? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ये हम सबको पता है. ये होती है नॉर्मल टैप रूट के बारे में. हमें नॉर्मली पता भी होता है नॉर्मल टैप रूट कौन से होते हैं. जो प्राइमरी रूट होती है उसकी कुछ लेटर ब्रांचेज होती है जो डीप इन द सॉइल में जाएगी और एब्जॉर्प्शन देगी इसका वाटर एंड मिनरल्स का. दूसरी रूट्स होती है कौन सी? कोरेलेड रूट्स. जो होते हैं कोरेलेड रूट्स. जो कोरेलेड रूट्स होती है कौन सी होती है? जो मेन टैप रूट थी, टैप रूट्स के जो टैप रूट होते हैं मेन, उससे कुछ लेटरल ऐसी ब्रांचेस, ऐसी रूट्स निकलती हैं जो कि क्या होती है? नेगेटिवली जियोट्रोपिक होएंगी. मतलब ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगी बजाय के नीचे. तो कोरेलेड रूट का ये मेन करेक्टरिस्टिक लगा लो कि ये जो है नेगेटिवली जियोट्रोपिक होते हैं, मतलब एपोजियोट्रोपिकली ये शो करती है. और ये कहाँ मिलेगी? सरफेस, सॉइल के सरफेस में मिलती है. किस पे? सॉइल के सरफेस में मिलती है. और इसमें भी देखा जाता है कि जो ये रूट्स होती है, रूट्स का प्लस किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ. ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. और दूसरा इसका मेन फंक्शन देखा जाता है कोरेलेड रूट्स का. कोरेलेड रूट्स जो है ये रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करती है. रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है इसका. कैसे होता है? हमें पता है नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी फंक्शन किसी रूट का हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे जो है क्या मिलेगा? लेंटिसल्स प्रेजेंट होंगे उसके ज़रूर, क्योंकि वो पहले नेगेटिवली ज़ियोट्रोपिक है. मतलब वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है तो उसके पास कुछ लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करती है. ये था इसका पूरा रूट्स के बारे में. दूसरा हमें अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमें क्या, एक पूरा प्लांट उसके बाद तीन चीज़ें होती है सिर्फ, रूट, स्टेम एंड तीसरी क्या आएगी? लीफ. लीफ इसके दो तरह के होते हैं भाई. इसके भी दो तरह के लीव्स होते हैं, फोलिएज लीव्स एंड कौन से दूसरे? स्केल लीव्स. इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है इसके बारे में. सिंपल की जो फोलिएज लीव्स होते हैं ये कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं. दूसरा पिनेटली कंपाउंड होते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा इनका भी काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है. और ये जो है रैकिस के साइड में, अराउंड रैकिस के साइड में अपोजिट या को अल्टरनेटिव मैनर में अरेंज होते हैं. ये इतना इसके बारे में पढ़ना और कुछ इसके में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल हमें जिस जनरल नॉलेज के हमें पता होना चाहिए कि फॉलिएज लीव्स क्या होते हैं, फिर स्केल लीव्स क्या होते हैं. और लीफ, और जो लीफ है हर एक लीफ के दो पार्ट, तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, रैकिस और लीफ टेट. ये हमें पता है जो लीफ होते हैं इसके तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, रैकिस एंड तीसरा कौन सा होता है? लीफ लेट्स. अगला आता है इसे स्केल लीव्स. स्केल लीव्स क्या होते हैं? स्केल लीव्स ही भी नॉर्मल स्ट्रक्चर सिंपल क्या होता है? स्मॉल होते हैं, रफ होते हैं आपको, ड्राई होते हैं ये. और इनका जो नंबर होता है, नंबर होता है फार मोर देन होता है किससे? फोलिएज लीव से. काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं फोलियस लीव से. और इनका फंक्शन क्या है? इनका एक मेन फंक्शन है इनका कि ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट एपिकल मेरिस्टेम एंड अदर एरियल पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे.
ये था इसकी जो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या था सिर्फ ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में था ये कि हमने इसके एक्सटर्नल, इसके बाहर से हमें क्या क्या दिखता है, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स कहीं. अब हम देखेंगे इसकी इंटरनल फीचर्स कुछ. जैसे क्या आते हैं इसके इंटरनल फीचर्स, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट आते हैं इंटरनल फीचर्स में, सबसे ईजी भी है इम्पोर्टेंट भी है. कौन सा? रूट, रूट का TS जो हमें नॉर्मली पता है, हम इजीली इसको इजीली बिल्कुल इजीली अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं. कैसे? सिंपल, तुम्हें दो ये याद रखना है कि जो रूट है, रूट की दो स्ट्रक्चर होती है, दो तरह की, एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जिसमें सिंपल उसकी सिंपल सिंपल चीज़ें मिले जो हमें पता है, जैसे कि कौन कौन सी बाहर वाली कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है बाहर वाली, सबको पता है. फिर एपिबिलेमा बोलते हैं इसे, बाहर वाली एपिबिलेमा. देन अंदर मिलता है हमारा कोर्टेक्स. क्या मिलता है हमारे यहाँ पे? कोर्टेक्स मिलता है. देन क्या होता है? एंडोडर्मिस. देन क्या होती है? पेरिसाइकल. और यहाँ पे इस तरह से मिलता है इसका फ्लोएम, और यहाँ पे क्या मिलते हैं इसके? जाइलम. ये क्या है? फ्लोएम है, और ये क्या है? जाइलम. बाकी हमें पता है एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कोर्टेक्स, हमें ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हम खुद भी लिख सकते हैं. एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो रूट होते हैं, रूट्स में ऑलवेज एग्जॉज कंडीशन मिलती है. क्या होती है? रूट्स में एग्जॉज कंडीशन होती है. एग्जॉज कंडीशन मतलब पता है हमें, जहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा. प्रोटोजाइलम आउटसाइड एंड मेटाजाइलम का होता है अंदर की तरफ होता है, वो होती है एग्जॉज कंडीशन. दूसरा जो रूट्स हैं ये क्या शो करते हैं? ये डायार्क या टेट्रार्क शो करते हैं, टेट्रार्क कंडीशन शो करते हैं ये. और अब इसकी जो दो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी समझने की होती है. कैसे? इसमें थोड़ी सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ. इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो, सिर्फ समझने की बात है. पहले ही वाली स्ट्रक्चर थी, सिंपल थी. इसमें अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर अब कुछ सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है. जैसे कि किस किस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ आती है? पहले तो होती है इसमें एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है. पहले तो होती है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. कुछ पेन का मेटल सेल्स होती है जो कि फंक्शन स्टार्ट करती है एज अ कैम्बियम. अब जो कैम्बियम होती है, जो कैम्बियम होती है वो क्या करती है? कट करती है. किसको कट करती है? सेकेंडरी फ्लोएम को. किसके साथ? सेकेंडरी जाइलम को. सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को आपस में कट करती है. कैसे? सेकेंडरी फ्लोएम को डालेगी वो बाहर की तरफ, आउटसाइड रखेगी, और सेकेंडरी जाइलम को रखेगी वो इनसाइड. कौन? कैम्बियम. अब यहाँ पे दो कुछ मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप्स होती हैं. तो मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप्स जो होती हैं, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप्स जो होती हैं वो ज्वाइन हो जाएंगी और किसकी फॉर्मेशन करेगी? रिंग ऑफ कैम्बियम. पूरी कैम्बियम रिंग बन जाएगी. दूसरा, पहले तो इसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है. अब दूसरा आता है पेरिडर्म. पेरिडर्म कैसे बनता है? पेरिडर्म कलेक्टिवली बोला जाता है किस किस को? सेकेंडरी कोर्टेक्स. जो पेरिडर्म है, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या? पेरिडर्म. हम इनके नाम पता ही है. कोर को क्या बोला जाता है? फैलम. और कोर्टेक्स को क्या बोला जाता है? सॉरी, यहाँ पे आएगा कोर कैम्बियम. कोर कैम्बियम. तो कोर को बोलते हैं फैलम, कोर कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फैलोजन. और इसे क्या बोलते हैं? फैलोडर्म. तो इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या? पेरिडर्म. इस ये कैसे बनते हैं? पहले हमें पता है हमारे यहाँ पे कैम्बियम तो था ही, तो कोर कैम्बियम होता है. कोर कैम्बियम की सेल्स जो है वो डिवाइड करती है. कोर कैम्बियम सेल डिवाइड करेगी और बाहर की तरफ क्या डालेगी? एपिड कोर को डालती है, और नीचे की तरफ क्या डालती है? वो क्या बनाती है? नीचे की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स बनाती है. तो इस तरह से यहाँ पे तीन लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, कॉल्ड पेरिडर्म. तो यहाँ पे जो है पूरी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है. मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पूरी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन चुके हैं, पेरिडर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है. और आगे सेकेंडरी, एक और सेकेंडरी क्या बनेगा? कोर कैम्बियम बनेगा, एक और सेकेंडरी फेलोजन बनेगा. फिर वो आगे गिव राइज़ करेगा किसको? किसको? कोर को, सेकेंडरी कोर्टेक्स को. तो इस तरह से पूरी प्रोसेस दोबारा से चलती रहेगी. यहाँ पे होती है ये रूट्स की पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट.
मैं आपको एक बार पूरा भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, अगला आता है हमें जैसे कि पता, अगला हमने दो रूट्स पढ़े थे, नॉर्मल टैप रूट, दूसरी पढ़ी थी कोरिलेटेड रूट। तो दूसरी आती है यहाँ पे कोरिलेटेड रूट। इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कोरिलेटेड रूट। यहाँ पे कोरिलेटेड रूट की सिंपल जिनके पीछे सिंपल एक स्ट्रक्चर होती है इसकी, बिल्कुल सिंपल, क्या बिल्कुल भाग होती है, पेरिडर्म होती है, देन इसके अंदर क्या मिलता है, वही कोर्टेक्स। सिर्फ एक बात यहाँ पे देखी गई है, कोर्टेक्स यहाँ पे दो तरह का होता है, आउटर कोर्टेक्स और एक होता है इनर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स दो तरह का होता है, आउटर कोर्टेक्स और इनर कोर्टेक्स। यहाँ पे दो तरह सब क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक जोन आता है कॉल्ड एल्गल जोन। क्या आता है, एल्गल जोन आता है कॉल्ड एल्गल जोन। तो इस एल्गल जोन के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती है, पीछे बताया था क्या करती है, सिम्बायोटिकली इनहेबिटेड होती है विद साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये मैं बताऊँ, जैसे कि बाहर वाली कहती है एपिडर्म होती है, तो यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे क्या बना, हमारा आउटर कोर्टेक्स ही वाला इवन आउटर कोर्टेक्स लगा लो, देन इसके अंदर आती है क्या, एल्गल जोन। पूरा जोन आता है एल्गल जोन, जिसमें कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएशन शो करेगी। और फिर यहाँ पे आते क्या, इनर कोर्टेक्स, देन वही एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पूरा वैस्कुलर बंडल आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ इतनी ही है, इतना ही दिया हुआ है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लीफ का, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीफ का। लीफ के अंदर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा जाता है क्या, वी एस ऑफ रैकिस। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आके आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको ईजिली लिख सकते हो बिल्कुल ही। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, जस्ट लाइक अ पोर्ट। तो रैकिस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, इसमें सबसे बाहर क्या होता है, इसकी क्या होती है बाहर, एपिडर्मिस। मैं ये सब कुछ जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, वरना इसका डायग्राम तो बहुत अच्छा बनेगा। बाहर वाली क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जिसके अंदर कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमा। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, ये मैं अलग अलग क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें सबसे पहले होता है, सबसे पहले इसकी आती है एपिडर्मिस, देन इसके अंदर आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद, हाइपोडर्मिस में देखो, हाइपोडर्मिस में दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है क्लोरेनकाइमेटा सेल्स, दूसरी होती है स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स। तो जो ये वाली है, ये होती है क्लोरेनकाइमेटस और ये होती है स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स, और यहाँ पे सारी पूरे में ऐसे ही बनेगा ये। और फिर इसके अंदर आते हैं वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल आप कैसे बना सकते हो, मैं सिंपल जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, कुछ इस तरह से इसके वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। और जो वैस्कुलर बंडल ये होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्राउंड टिश्यूज मिलेंगे और कुछ यहाँ पे मिलेगी म्यूसिलेजनस कैनाल, म्यूसिलेज कैनाल। इसमें सिर्फ एक पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, वैस्कुलर बंडल का। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से ये समझना पड़ेगा, ईजी है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू में पता है कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हम रैकिस का हमने वी एस काटा है, तो रैकिस तो काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर मैं रैकिस का सबसे बेस वाला पार्ट देखूँ, अगर बेस पे देखा जाए, तो रैकिस के बेस पे जो क्या मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल ज़ाइलम मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल ज़ाइलम मिलता है विद एंडार्क कंडीशन। और जब हम ऊपर जाते रहेंगे, मिडल पे आएंगे, मिडल पे हमें सेंट्रीफ्यूगल प्लस सेंट्रीपिटल दोनों ज़ाइलम मिलेंगे। और जैसे कि अगर हम ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब अपर पोर्शन पे जाएंगे, तब वहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल तो मिलेगा, सेंट्रीपिटल के साथ में
सेंट्रिपिटल के सराउंडिंग में हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैचेस में क्या मिलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मिलेगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो है कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है, सिर्फ सेंट्रीपिटल प्रेजेंट होता है विद एग्जॉस्ट कंडीशन। ये ईजी है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो ये हमें अच्छे से याद करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें लीफलेट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीफलेट, लीफलेट का TS देखा जाता है, जैसे कि हमने कुछ हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में भी कटवाया जाता है, स्कूल्स में नहीं कॉलेजेस में कटवाया जाता है इसके सेक्शंस, तो ये काफ़ी चीज़ समझ में आ जाता है उससे भी। तो जो लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट की स्ट्रक्चर काफ़ी थोड़ी टिपिकल है, लेकिन मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये कुछ जैसे इसके स्ट्रक्चर, जैसे कि इसमें सबसे हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, वही सब जो सब में सेम होता है, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देन हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस यहाँ पे दो, यहाँ पे भी हाइपोडर्मिस की दो तरह की सेल्स होती है, पर यहाँ पे हाइपोडर्मिस की एक तरह की सेल्स होती है, कॉन्सिस्टेंसी ऑफ स्क्लेरल काइमेटर सेल्स होती है यहाँ पे हाइपोडर्मिस में। और अगला होता है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स दो तरह से डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये हमें सबको पता होता है कि जो मेसोफिल सेल्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब दो सेल्स होती है इसके खुद के पास। एक होती है पैलेसिड पेरेन्काइमा और दूसरी होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो पैलेसिड पेरेन्काइमा होता है, ये इन दोनों की स्ट्रक्चर, इन दोनों की जो पोजीशन है वो भी अलग अलग होती है। जो ये पैलेसिड पेरेन्काइमा है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस के पास, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस के पास। मैं अभी आपको दिखाती हूँ डायग्राम से, देखिए एपिडर्मिस सबसे भाव वाली कहती है एपिडर्मिस, और नीचे वाली भी एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। तो इसके बाद कहती है हाइपोडर्मिस, इधर इसके बाद कहती है यहाँ पे पड़ी थी मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल दो पार्ट में डिवाइड थी, पैलेसिड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो पैलेसिड पेरेन्काइमा यहाँ मिलता है कुछ इस एरिया, पैलेसिड पेरेन्काइमा सारा है हमारा अपर एपिडर्मिस के पास, और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो नीचे की तरफ मिलता है, तो पास किसके, लोअर एपिडर्मिस के पास। उसके बाद इसके अंदर आती है क्या, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये हमारे बीच का ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है सारा, ये जब सारा दिखाई ट्रांसफ्यूजन टिश्यू टिश्यू इसके पास, ठीक है। बीच में क्या इसका वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ से देखो वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरह का बनता है, काफ़ी इजी है भी। इसके अंदर ये होता है सेंट्रिपिटल जाइलम, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेंट्रिपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है, और इसके अंदर कुछ स्टोमेटास बनते हैं, और इसके अंदर थोड़ा इम्पोर्टेंट एक ये भी है कि इसके जो हमें पता है जो साइकस है वो जो है जीरो फिटिंग कंडीशन शो करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ज़ीरोफिटिक करेक्टर शो करता है कि किस किस वजह से ज़ीरोफिटिक करेक्टर शो करता है, ये हमें पता होना चाहिए। जिसकी पहली चीज़ की जिस वजह से शो करता है ज़ीरोफिटिक करेक्टर, कौन कौन से, इसके पास थिक क्यूटिकल है ऑन एपिडर्मिस, दूसरा इसके पास संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, तीसरा इसके पास ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है, इसके बाद इसके पास हमें अभी पीछे पड़ा था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में कौन सेल्स थी, स्क्लेरल काइमेटर सेल्स थी, तो यहाँ भी स्क्लेरल काइमेटर की वजह से ये ज़ीरोफिटिक करेक्टर शो करते हैं। और भी कुछ एक दो चीज़ें हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनकी वजह से ये शो करता है। अगला आता है इसका पार्ट कौन सा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरह का होते हैं, दो चीज़ों से होता है, पता है हमें दो साइकस में दो कॉन्स मिलते हैं, कौन कौन से, मेल कॉन, दूसरा कौन सा होता है, फीमेल कॉन। मेल कॉन जिसे हम क्या बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। जो ये मेल कॉन होता है ये जो है सबसे एपिक्स से प्रेजेंट होता है, किस पे, स्टेम है, जो जो भी ब्रांच है वो स्टेम है उसकी एपिक्स से प्रेजेंट होता है ये, उस एपिक्स से प्रेजेंट होने की वजह से ये एपिकल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, एपिकल ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है इसकी वजह से। जो होती है एपिकल ग्रोथ इस वजह से स्टॉप हो जाती है, तो और ये क्या करता है, एपिकल ग्रोथ स्टॉप होगी तो ये क्या करेगा, लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है,
प्रमोट करेगा. इसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है कुछ एक, जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर देते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जिन मेल कौन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लार्ज होता है, कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है ये. इसकी स्ट्रक्चर देखो, मैं थोड़े बड़े स्ट्रक्चर में बनाऊँगी नहीं तो मैं आपको उसे दिखा देती हूँ. इससे देखो किस तरह से होती है ये, इसकी क्या है बीच में कोन एक्सिस. ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि पेपर में तो हमें ये बनानी होती है. कोन एक्सिस है, कोन एक्सिस साइड में ये निकले हुए हैं क्या, माइक्रोस्पोरोफिल्स. यहाँ पे इसी डायग्राम में आपको सब कुछ बता दूंगी, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ये क्या होती है बीच में मेल कोन, सॉरी ये मेल कोन है, बीच में क्या कोन एक्सिस, इससे निकली हुई है माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं ऐसे, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जिस लीफलेट स्ट्रक्चर के ऊपर, लीफलेट स्ट्रक्चर के ऊपर उसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल. हाँ अगर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं मेगास्पोरोफिल. तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है माइक्रोस्पोरोफिल है. माइक्रोस्पोरोफिल जो है सेंट्रल एक्सिस के साइड में अरेंज होते हैं, कुछ एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं. एक्रोपिटल सक्सेशन पर था, यह हमें एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, इसमें यंगेस्ट टॉप की तरफ और ओल्डेस्ट बेस की तरफ होएगा. तो ये माइक्रोस्पोरोफिल के यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल ये अंदर वाला पार्ट होता है ये होता है स्टेराइल, बीच वाला पार्ट होता है फर्टाइल, और लास्ट वाला पार्ट होता है फिर से स्टेराइल. और इस लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस. ये अगर हम इसका ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, हम माइक्रोस्पोरोफिल का भी अगर हम पीएस काट के देखते हैं, फिर को ऐसे आगे खाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल का टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल. देखो टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह दिखेगा. इसके अंदर ये है हमारे क्या माइक्रोस्पोरेंजिया, वहाँ पे देखे हमने एक गोल माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या फर्टाइल पार्ट है. माइक्रोस्पोरेंजिया के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है क्लस्टर्स या को ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, और हर एक ग्रुप को, हर एक क्लस्टर क्या बोलते हैं, सोरस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सोरस बोलते हैं. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर किस तरह से है, यहाँ पे कुछ जैकेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, बाहर वाली प्रोटेक्टिव सेल्स कह सकते हैं जिसको प्रोटेक्ट करती है. अंदर होती है न्यूट्रिटिव लेयर, या फिर कोई न्यूट्रिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है कॉल्ड टेक्टम, पता ही हमें. उसके अंदर स्पोर मोलर सेल्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और जो टेक्टम होते हैं न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. दूसरा अगर हम बताएंगे कि अब ये यहाँ पे इसी में देख लो. अब जैसे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है हमारा पूरा, वो अब उसमें से माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे, तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, डीहाइसिस. इसमें देखा जाता है कि जब वो मेल कोन है, जब मैच्योरिटी के टाइम पे जब मेल कोन है पूरा इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेट होने के बाद वहाँ से माइक्रोस्पोरोफिल बिल्कुल लूज जाएंगे. उसके लूज होते ही माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सपोज जाएंगे. जब माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सपोज होंगे तो वहाँ पे स्पोरेंजिया में से क्या होगा, वाटर लूज होएगा. वाटर लूज होते ही वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर जाएगा और एकदम टूट जाएगा, डिहाइस हो जाएगा, जिसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स जो है बाहर निकल जाएंगे. माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर बाहर कैसे होती है, एग्जाइनर एंटाइन, दो स्ट्रक्चर यहाँ पे, उसकी दो लेयर्स होती हैं. अगर आता है फीमेल को कोई भी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर या फिर कोई इसका स्ट्रक्चर एक्जैक्ट कम्पैक्ट मोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसका, और ये वही एक्रोपिटल सक्सेशन में रेंज होता है. इसके माइक्रोस्पोरोफिल देख लीजिए, माइक्रोस्पोरोफिल इसका इंपॉर्टेंट है, हमें देखा भी हुआ हमने. ये रहा स्टोक है, इसमें ओविड प्रेजेंट है, लीफी पोर्शन है. इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ना होता, सिर्फ ये बात पढ़ना होता चाहिए कि किस तरह से दिखता है. अगला आता है जैसे कि ओव्यूल. ओव्यूल के स्ट्रक्चर हमें पता है, ये नॉर्मली जो बनाते हैं हम वही बना सकते हैं. जैसे कि इसके अंदर न्यू सेल्स प्रेजेंट होती है, हाँ इंटेग्यूमेंट इसके साइड में लेयर्स होती है कुछ, उसके पास पोलन चैम्बर प्रेजेंट होता है. रहते हैं मेगास्पोर्स. इससे फीमेल, इससे क्या नाम है, फीमेल कौन से, इससे हमें मेगास्पोर्स मिलते हैं. मेगास्पोर कैसे, किस तरह से होंगे, कैसे बनते हैं. न्यूसेलस के अंदर कुछ सेल्स होती है जो कि डेवलप होएगी, उसकी कुछ क्या बनाएगी, आर्किस्पोरल सेल. आर्किस्पोरल सेल आगे डिवाइड करेगी किसमें, मेगास्पोर मदर सेल्स में, जिससे आगे क्या बनेंगे, चार हैप्लोइड मेगास्पोर्स बनते हैं. फोर हैप्लोइड मेगास्पोर्स में जो तीन मेगास्पोर्स हैं वो होंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो कि डीजेनरेट हो जाएंगे. और जो फोर्थ वन होता है वो होता है चलाजल एंड की तरफ, जो कि फंक्शनल रहता है, और वही आगे किसकी फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमेटोफाइट की. और उस जो एक हमारा फंक्शन बचा उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक सेल. वैसे ही मेल गैमेटोफाइट की बात होती है, तो हमारा था फीमेल गैमेटोफाइट, ये मेगास्पोर बन गया. अब मेल गैमेटोफाइट में मेगास्पोर की नहीं, माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट कैसे होती है, मैं इसमें ये बताऊंगी आपको. माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे, इसकी जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही इसकी कोई डेवलपमेंट हो जाती है. कैसे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये दो सेल्स में डिवाइड होता है, प्रोथैलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल.
प्रोथेलिस एंड एंथीरियल सेल. प्रोथेलिस सेल आगे डिवाइड नहीं करती, लेकिन एंथीरियल सेल आगे डिवाइड करते हैं टू जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल. अब इस स्टेज पे, थ्री सेल स्टेज पे, एक दो तीन, थ्री सेल स्टेज पे क्या करें, लिबरेट करेगा किसमें, इससे लिबरेट करेगा, ए डिस्पर्स जाएगा विंड के अंदर और किसी भी एजेंट के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, पोलन चैंबर कहाँ चले जाएगा, उस फीमेल कोन के पास चले जाएगा जहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन होनी है, जहाँ पे पोलिनेशन होनी है. तो यहाँ पे थ्री सेल स्टेज पे इसकी लिबरेशन होती है. अगर जब इसे क्या नाम है, ये मिल जाएगा इसे जब पोलन चैम्बर, जब पोलिनेशन होगी, तो पोलिनेशन में जाने के बाद जब इसे पोलन चैम्बर में जाएगा, जब ये वाला जब माइक्रोसोप पोलन चैम्बर जाएगा, तब वहाँ पे उसकी अलग से डेवलपमेंट होती है आफ्टर पोलिनेशन. ये था पोलिनेशन से पहले, लेकिन आफ्टर पोलिनेशन इसकी डेवलपमेंट होती है कैसे, जेनेटिव सेल गिव राइज करेगा स्टॉक सेल और बॉडी सेल को, और जहाँ पे ट्यूब सेल थी वो क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब, जिसकी हेल्प से वो पोलन जो अंदर जाएगा माइक्रोस्पोर. अब अंदर जाने के बाद अब यहाँ पे और डिविजन होगी, ये स्टॉक सेल क्या बनाएगी, स्टॉक बनाएगी, बॉडी सेल बनाएगी क्या, मेल गैमेट्स. फिर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी. अब यहाँ पे मेल गैमेट्स बन गए, वो कहाँ चला गया, अब जो ये हमारा पूरा जो बना, अब ये मेल गैमेट्स बन चुके हैं और वो कहाँ चला गया, ये जो हमारा माइक्रोस्पोर ये था पोलिनेशन के बाद, उस आर्किस्पोरियम जो होता है, आर्किस्पोरियम की कुछ इस तरह से होता है ना आर्किस्पोरियम, तो उसकी नेक के पास चला गया. वहाँ पे क्या मिलेगा इसको, एक्सेल मिलेगा, एक्सेल से इसकी फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बन जाएगा, जाइगोट. बस तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. और जैसे कि इसमें आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हो, थोड़ा टिपिकल सा पड़ता है देखने में, लेकिन बहुत ईजी है ये देखने में. जैसे कि फीमेल प्लांट, ये क्या है, दो प्लांट्स ले रखे हैं, एक पे मेल कॉन्स प्रेजेंट, एक पे फीमेल कॉन्स प्रेजेंट है. तो इससे एक से, अगर जिस पे एक से जो मेल कॉन है उस पर क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, और फिर इससे क्या होता है, मेगास्पोरोफिल होते हैं इसमें, इससे क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, इसे क्या बनेंगे मेगास्पोर्स. ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं, और इससे क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर बनेंगे. दोनों के अंदर एक पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन होने के बाद क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ ये पोलन ट्यूब है. पोलन ट्यूब के अंदर इसमें ये दो मेल गैमेट्स दिखा रखे हैं. अब इसकी पोलिनेशन हो जाएगी, पोलिनेशन तो हो चुकी है, अभी इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगी, देन क्या बनेगा, जाइगोट. जाइगोट आगे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड एंड देन न्यू प्लांट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड एंड न्यू प्लांट. यहाँ पे जो साइकस चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है. Thank you. Thanks. तो मैं कल या परसों बनाऊंगी पाइनस पे. Then please guys support me. Thank you.